welcome back to Arunachal Mirror. We are reporting to you from Dernatung College, Itanagar, where Art Club and Literature Club are celebrating their Decreo Fest 3rd edition, where students are showcasing their art and poetry, and students from Don Bosco College and Himalayan College are also present installing their art. So let us know more about Art Club from the students. Dorji Funso Karma hai, aur hum jo fourth semester yani second year, and mera major subject history hai. वैसे हम भी आर्ट क्लब में लास्ट ईयर ही ज्वाइन किए. वैसे तो ये आर्ट क्लब जो फॉर्म हुआ था 2015 को, हम लोग का बहुत एक सर है आर्ट क्लब का जो अभी नहीं है, बट हम लोग का अंदर मतलब वो जो ये आर्ट क्लब को फाउंड किया था उसका नाम दुले इतने सर है. तो उसके बाद हम लोग क्लब में क्या करते हैं, मानने कि ऐसे होता है कि क्लब जो एक ऐसा जगह है कि हम लोग के लिए ना, कि वहाँ में हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं. यहाँ में क्लासेस चलते रहते हैं, तो कभी दिन फ्री जब फ्री क्लासेस होता है तब उन वो समय में हम लोग क्लब जाता है. क्लब में ऐसे होता है कि मोर देन हम लोग का 50 स्टूडेंट समथिंग है, तो 50 स्टूडेंट में ऐसे होता है कि सबका लाइक आर्ट वर्क जो अलग डिफरेंट होता है. तो लाइक हम जो यूजली स्केचिंग करते हैं तो वहाँ में बहुत लोग होते हैं स्केचिंग करने वाला, वो लोग जो थोड़ा हम लोग को सुझाव देते हैं, उसके वहाँ से हम लोग थोड़ा लाइक इम्प्रूव होता है और भी लाइक बहुत अलग अलग आर्ट फॉर्म देखने मिलता है. तो वो सब देख के लाइक ऐसे होता है कि अरे ये डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया है, ये डिज़ाइन वो से सीखता भी है और लाइक इम्प्रूव भी होता है, तो बहुत अच्छा लगता है और ऐसे फैमिली का जैसे बहता है. तो अभी तो फिलहाल हम लोग का जो हेड है वो रिगे मैडम, उसके बाद अम्पा मैम बोल के एक है और एक मैम है, तो वो लोग तीन ही हम लोग को लीड कर रहा है. तो बेसिकली हम मतलब बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं, बट मेरा मेन जो है वो स्केचिंग है. तो पेंसिल स्केचिंग करते हैं, जैसे कि यामे हो गया ये. तो आपका ये जो स्केच कवर में व्हाट आर योर थॉट्स एंड इंस्पिरेशन ड्यूरिंग स्केचिंग टाइम? ये तो जैसे कि मतलब बहुत डिप्रेस्ड सेट फील, और या फिर मतलब कुछ नहीं बोल पा रहे, या फिर मेंटली मतलब कुछ नहीं कर पा रहे, बट मेंटली अंदर मेंटल अंदर बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस थॉट ऐसे बहुत सारे है, तो उसको ये एक्सप्रेस कर रहे हैं मतलब ये फीक में. अभी आप लोगों का ये जो स्केचेस है, जितना आर्ट वर्क्स है, आपका कॉलेज जो इसको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है ना, हाउ वुड यू लाइक टू थ्री देम? मतलब क्या बोलेगा, मतलब सर प्रिंसिपल सर, और ये जब 2015 में बना था ना जो दुली एटे सर जो मेन था फाउंडर था, तो उसको तो बहुत बड़ा थैंकफुल बोलेगा, क्योंकि हमें अभी जितना भी मतलब स्टूडेंट है वो सर आर्ट्स क्लब में घुस रहे हैं ना, और हम लोग को सीनियर से भी नया मतलब सीनियर लोग भी हम लोग को सिखाते हैं नया नया चीज़, जैसे कि हम स्केचिंग करते तो उस जैसे कि हम लोग को पेंटिंग सिखाते सीनियर लोग, ऐसे बहुत सारा नया नया चीज़ सिखाते. तो इसलिए मतलब उसका हिसाब से मतलब एक जो पर्टिकुलर पर्सन होते हैं वो जो सिर्फ पेंटिंग में नहीं होते, वो बाकी चीज़ में भी वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, तो उसका मदद से वो जो पर्टिकुलर इंसान होता है वो भी बहुत सारा चीज़ करने सीख जाते हैं. मतलब आप कितना साल से पेंटिंग एंड स्केचिंग वगैरह कर रहे हैं? हम जब क्लास 12 था तब से पेंटिंग और स्केचिंग कर रहे हैं, बट आर्ट्स क्लब में ये यार ही ज्वाइन हुआ है. मतलब हम भी फोर्थ सेमेस्टर में ज्योग्राफी मेजर में, ये यार ही ज्वाइन हुआ. 2019 में हुआ था, फिर 2021 में पेंडेमिक के चलते हम लोग नहीं कर पाए. अगेन 21 में हुआ सेकंड एडिशन, आज थर्ड एडिशन है डिक्रियो फेस्टिवल का. तो इसके पीछे हम लोगों का ये ऑब्जेक्टिव है कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे काफ़ी टैलेंटेड हैं, और ये बड़ा कॉलेज है, 5000 स्टूडेंट्स हैं, इसमें एक से एक आर्टिस्ट हैं, पोएट्स हैं इस एमोंग स्टूडेंट्स, तो उनके टैलेंट को शोकेस करने का एक सुइटेबल प्लेटफॉर्म दिया जाए. उस रूप में ये डिक्रियो फेस्टिवल के दो सेगमेंट हैं, एक तो आर्टिस्ट जितने हैं हमारे वो आर्ट्स क्लब उनको गाइड करती है, हमारे आर्ट्स क्लब के कन्वेनर जो फैकल्टी मेंबर्स हैं प्लस मेंबर्स, उन लोगों का गाइडेंस, और वीक में दो दिन तीन दिन कंटिन्यूसली गाइडेंस मिलता है, और ये एनुअल इवेंट है हमारा. फिर हमने ये सोचा कि सिर्फ अपने कॉलेज के लिए क्यों, ये सुविधाएं हम दूसरे कॉलेजेस को भी दें, खर्च भले हमारा हो हमारे कॉलेज का हो, लेकिन इसका फ़ायदा इसका लाभ जो हमारे बडिंग टैलेंट्स हैं, हिडन क्रिएटिव आर्टिस्ट्स हैं, चाहे वो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों ईटानगर के, उन सबों के लिए हम लोगों ने दरवाज़ा खोला. और हर एडिशन डिक्रियो फेस्टिवल का वेलकम करता है. आज भी हमारे कैपिटल कम्प्लेक्स के सारे कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ के और यंग आर्टिस्ट आए हैं, उनके बीच आर्ट एग्जिबिशन आर्ट कंपटीशन होता है, सबकी अलग अलग इंस्टीट्यूशनल गैलरी है, और फिर इसमें प्राइजेस दिया जाता है उनको प्रमोट करने के लिए. और यही कारण है
कि हमारे फर्स्ट एडिशन में डिक्रो फेस्टिकल के जो आर्टिस्ट पार्टिसिपेट किए थे फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लोकेटेड इन द कैपिटल रीजन, नाउ मेनी ऑफ देम आर शाइनिंग एट नेशनल लेवल रिप्रेजेंटिंग अरुणाचल, सम हैव बिकम एक्लेम्ड आर्टिस्ट्स. फिर आर्ट ये एक सेगमेंट हुआ टू एनकरेज मोटिवेट एंड इंस्पायर यंग आर्टिस्ट स्टडिंग इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन लोकेटेड इन कैपिटल कम्प्लेक्स. फिर उसके बाद जो लिटरेचर में जिनका ये है इंटरेस्ट है, जैसे कोई पोएट्री लिखता है, कोई स्टोरी लिखता है, तो उनके लिए भी हम लोग 3 बजे से आफ्टरनून में करते हैं पोएट्री रिसाइटेशन कंपटीशन, दैट इज सेल्फ कंपोज, अपनी लिखी हुई स्टूडेंट के द्वारा लिखी हुई कविता, उसकी वो रिसाइटेशन करते हैं. फिर शॉर्ट स्टोरी का, फिर स्टोरी टेलिंग, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग को लेकर कॉम्पिटिशन होता है एमोंग स्टूडेंट्स, एंड दे कम फ्रॉम ऑल इंस्टीट्यूशंस, ऑल कॉलेजेज यूनिवर्सिटीज ऑफ ईटानगर. तो ये पूरा कैपिटल कॉम्प्लेक्स का है, और जैसा कि अभी हमने अनाउंसमेंट भी करा दिया है और कन्वेनर को मेंबर को भी कहा है, इस बार 3rd edition तक हम इंटर कॉलेज कंपटीशन करा रहे हैं, पार्टिसिपेशन सारे इंस्टीट्यूशन से ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स के करा रहे हैं. नेक्स्ट ईयर से इसको बढ़ाकर हम स्टेट इवेंट करेंगे, और तब पूरे अरुणाचल प्रदेश के जितने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेज हैं सभी के छात्र छात्राएं इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे, जिनमें टैलेंट है, जिनमें दम है. तो इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है, लोग स्टूडेंट्स भी बहुत उत्साहित हैं, उनके आर्ट को दुनिया देख रही है, और उसमें जिनमें दम है, जिनमें प्रतिभा है, वो इस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ रहे हैं. हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं सारे मीडिया पर्सन से, आप लोग आए, इसको महत्व दिया, और बच्चों को इनकरेज आप लोग करेंगे, जब वो मीडिया में देखेंगे खुद की फ़ोटो, खुद का आर्ट और खुद के बारे में, तो उनको और इनकरेजमेंट मिलेगा. तो थैंक यू सो मच टू ऑल मीडिया पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन दिस ऑस्पिशियस प्रोग्राम टू इनकरेज होता है, उसको वो पैसा जाएगा, और इसके लिए है प्रावधान, कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं. तो वो जो स्टूडेंट आर्टिस्ट होगा वो उसका पेमेंट जो होगा उसके पास जाएगा वो लेगा. और कॉलेज खाली इतना करती है, जैसे आज भी जो इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल के पूरे सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए हो रहा है, तो कॉलेज ने इसके लिए भी अच्छा बजट दिया है, 80,000 कॉलेज ने इसको फंड किया है ये दोनों इवेंट के लिए, मतलब आर्ट्स कंपटीशन, लिटरेरी कंपटीशन, एज ए होल डिक्रो फेस्टिवल, और इसको हम बढ़ा देंगे अगले साल. सर आप लोग ये कह रहे हैं कि ये कॉलेज का तरफ से कर रहे हैं, हाँ, कॉलेज का तरफ से बचत है, हाँ, और कहीं से कोई फंड नहीं, कभी स्टेट गवर्नमेंट से कुछ इसके विषय में बात किया फंड? हाँ, एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट्स और चीज़ों के लिए फंड देती है, लेकिन इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, शायद आगे चल के स्टेट गवर्नमेंट कुछ फंडिंग दे, बट एज ऑफ नाउ टिल नाउ ये 3rd edition है, गवर्नमेंट से हमने डिक्रो फेस्टिवल के नाम पे कोई बजट, कोई फंड नहीं दिया, लेकिन आगे से बात चल रही है, गवर्नमेंट देगी, प्रोत्साहन देगी, और इसमें आप लोग बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं.